रहीम। अगर कोई आवाज़ का इशू हो तो बेटा मुझे मैसेज कीजिएगा, ओके। कल हमने लास्ट टाइम जो कल हमारी क्लास हुई थी, उस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 जो शुरू किया हुआ था उसमें हमने पढ़ लिया था, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन हमने कंप्लीट कर लिया था, और साथ में हाइड्रोजन के रिएक्शन, जो रिएक्शन मैंने आपको कल हाइड्रोजन के करवाए थे, ये एक्चुअली तुम्हारी बुक में रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन के टॉपिक में नहीं है, बल्कि ये वो रिएक्शन जो पेपर में आते रहे, टंगस्टन ऑक्साइड का और इसके अलावा जो मिथानॉल की प्रिपरेशन है, ये पेपर में ये रिएक्शंस आते रहे, वो मैंने आपको एक अलग अलग हेडिंग के साथ मैंने करवा दिया, ताकि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर 5 ईयर देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब हमें पढ़ना है अटोमिक हाइड्रोजन, हमें डिस्कस करना है बेटा अटोमिक हाइड्रोजन का टॉपिक हमें पढ़ना है। अटोमिक हाइड्रोजन क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, छोटा सा टॉपिक है। अच्छा, बाज दफा ऐसे टॉपिक जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन वो पेपर में अगर आ जाए तो काफी प्रॉब्लम जनरेट करते हैं, तो आप टॉपिक्स को कोशिश करें याद करते रहे। चैप्टर नंबर 5 जो हम पढ़ेंगे तो कुछ टेक्निकल चीजें मैं आपको बताऊंगा, और उस रेफरेंस से जब आप 5 ईयर कंसल्ट करेंगे तो यकीनन आपको जो है उसमें अंदाजा होगा कि केमिस्ट्री पढ़ने में तो एक्चुअली प्रॉब्लम कर रही है, मुश्किल है, लेकिन जब आप इसका पेपर देखेंगे तो पेपर आपको टेक्निकली काफी आसान हो जाएगा। एटॉमिक हाइड्रोजन का हम टॉपिक शुरू करते हैं बेटा। एटॉमिक हाइड्रोजन क्या है, इसको हम समटाइम्स नेसेंट हाइड्रोजन भी कहते हैं, इसका एक रीजन भी एग्जाम में पूछा जाता रहे। एटॉमिक हाइड्रोजन हम किसे कहेंगे, डेफिनेशन देखिएगा, द प्रोडक्ट ऑब्टेंड एज रिजल्ट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज नोन एज एटॉमिक हाइड्रोजन। द प्रोडक्ट ऑब्टेंड एज अ रिजल्ट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज कॉल्ड एटॉमिक हाइड्रोजन। ये बात आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है यह हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, और डेट्स वाई हाइड्रोजन हमें हमेशा मिलेगी मॉलिक्यूलर फॉर्म में। जो कंपाउंड जो हमें एलिमेंट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलते हैं उनके रिएक्शंस जो हैं वो कंपैरेटिवली स्लो होते हैं, और उनके रिएक्शंस के लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट की जो है वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा अगर हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मीन्स 2 हाइड्रोजन, 2 एटम्स मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बन जाएगा। अगर हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को डिसोसिएट करें, ब्रेक कर दें, तो उसके ब्रेकअप से जो हम सिंगल हाइड्रोजन ऑब्टेन करते हैं, इस सिंगल हाइड्रोजन को हम नाम देते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं H2 है, इसको हम ब्रेक कैसे करते हैं, दो तरीके होते हैं इसके डीकम्पोजिशन के, डिसोसिएशन के। एक कहलाता है, एक जो है वो थर्मल डीकम्पोजिशन होती है या थर्मल डिसोसिएशन है बेटा, और एक जो है वो है इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन। इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन में हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, इसकी एप्लीकेशन में ये हम करंट अप्लाई करते हैं और करंट प्रोवाइड करते हैं लो प्रेशर पर। जब लो प्रेशर पर हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो एटॉमिक हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाती है, या जब इसको हम थर्मल डीकम्पोज करते हैं, थर्म मैंने आपसे कहा था इसको हम कहते हैं हीट को, जब इसे हीट प्रोवाइड की जाती है और हीट प्रोवाइड करने से जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो याद रखना कि जब कोई मॉलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और जब यानी कि जब बॉन्ड ब्रेकिंग जो प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है, जो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है, और जो बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होगा। जहां बॉन्ड बन रहा होता है वहां पर हीट रिलीज होती है, और जहां बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है वहां हीट हमें एब्जॉर्ब करवानी पड़ती है। लिहाजा हाइड्रोजन जो H2 है, जब इसमें 104 किलो कैलोरी पर मोल हीट की एब्जॉर्ब करेगा, और 104 किलो कैलोरी पर मोल हीट एब्जॉर्ब करके ये डीकम्पोज हो जाएगा एटॉमिक हाइड्रोजन में, 104 किलो कैलोरी पर मोल हीट एब्जॉर्ब करके ये डीकम्पोज हो जाएगा एटॉमिक हाइड्रोजन में। अच्छा, अब जरा एक बात ध्यान में रखना बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और हम ये आगे इसको हम डिस्कस करते रहेंगे। हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट इवॉल्व कर रहा है जहां पर, क्योंकि अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो टेम्परेचर है, अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट,
टेम्परेचर इज अ टेंडेंसी ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, और हॉटनेस और कोल्डनेस एक्चुअली क्या है, वो मेजरमेंट है, वो अमाउंट ऑफ हीट है. अगर अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट हॉट होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा. अगर अमाउंट ऑफ हीट कम है तो ऑब्जेक्ट कोल्ड होगा, टेम्परेचर उसका कम होगा. तो जो अमाउंट ऑफ हीट है हम उसे अलग से मेजर कर सकते हैं क्वांटिटी वाइज अमाउंट ऑफ हीट को. और अमाउंट ऑफ हीट की तो टेंडेंसी है कि वहां पर कितना हीट है, ज्यादा या कम, इसे हम मेजर करते हैं टेम्परेचर से. तो 104 किलो कैलोरी पर मोल जिस जगह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान में रखिएगा, जिस जगह 104 किलो कैलोरी पर मोल हीट प्रोड्यूस होती है, जिस जगह 104 किलो कैलोरी पर मोल हीट मौजूद होगी, वहां का टेम्परेचर तकरीबन 4000 टू 5000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा ड्यू टू दिस अमाउंट ऑफ हीट. इन अदर वर्ड, जिस जगह का टेम्परेचर 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जिस जगह का टेम्परेचर 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, वहां पर जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, वो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो होगी 104 किलो कैलोरी पर मोल. जिस जगह अमाउंट ऑफ टेम्परेचर होगा 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां पर जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, वो अमाउंट ऑफ हीट होगी 104 किलो कैलोरी पर मोल. यानी अगर हम इस हाइड्रोजन को 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे तो ये 104 किलो कैलोरी पर मोल हीट एब्जॉर्ब करता है और ये ब्रेक हो जाएगा एटॉमिक हाइड्रोजन में. यह बात है. अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें, ये वही चीज है, एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मैंने आपसे कहा था, जिसकी एप्लीकेशन है पढ़ेंगे कि हम हाइड्रोजन को टंगस्टन वायर से हीट करते हैं लो प्रेशर पर. यहां पर याद रखिएगा, हाई जो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, जहां भी ये वर्ड आ जाए लो प्रेशर एंड हाई इलेक्ट्रिक करंट, तो वो बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब हो जाएगा. तो इसको डिस्चार्ज ट्यूब के तरीके से हम हाइड्रोजन को ऑब्टेन कर सकते हैं. एक देखें, दो, एक मेथड ये लिखा हुआ है बेटा, एक मेथड ये लिखा हुआ है. नॉर्मली हम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से ऑब्टेन करेंगे, लेकिन एक मेथड ये भी है, थर्मल डिसोसिएशन. जब इसको हीट किया जाएगा 104 किलो कैलोरी पर मोल तक, तो हम ऑब्टेन क्या करेंगे, एटॉमिक हाइड्रोजन. दो मेथड्स, ऊपर भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नीचे भी है. अब आते हैं जनाब प्रॉपर्टीज पर. प्रॉपर्टीज स्टेबिलिटी को आप देखें, एटॉमिक हाइड्रोजन इज वेरी अनस्टेबल विद अ फ्यू सेकंड इट रिकम्बाइंस टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन. ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेशन इट रिलीजेस अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, 104 किलो कैलोरी पर मोल, विच कैन बी इन एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग टॉर्च. हम आगे इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे. देखिए, एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत कम सेकंड्स के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए एटॉमिक हाइड्रोजन बनता है, और इसके बाद ये फौरी तौर पर कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में. जब ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा, जैसा मैंने आपसे ऊपर कहा कि जब इसका बॉन्ड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में कन्वर्ट होने के माने क्या बेटा, दो एटॉमिक हाइड्रोजन मिलेंगे तो वो एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनाएंगे, और एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो एटॉमिक हाइड्रोजन बनाएगा. यानी जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है तो बॉन्ड ब्रेक होगा. जब एटॉमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा तो बॉन्ड जो है वो बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस होगा. एज अ बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस मैंने आपसे कहा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक. तो जब एटॉमिक हाइड्रोजन रिकम्बाइंस होते हैं और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन फॉर्म करेंगे तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी 104 किलो कैलोरी पर मोल. और मैंने आपसे क्या कहा था कि जहां पर 104 किलो कैलोरी पर मोल हीट रिलीज होगी, वहां का टेम्परेचर 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. ये देखिए, ये एच, दो एच मिलेंगे और मिलकर क्या बनेंगे, H2, और ये हीट यहाँ से रिलीज हो रही है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है. इसके बाद जनाब रिएक्टिविटी,
एटॉमिक हाइड्रोजन जो है, एटॉमिक हाइड्रोजन एक हाईली रिएक्टिव, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन रिएक्टिव है इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन रिएक्टिव है इस वजह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, लिहाजा एटॉमिक हाइड्रोजन जो है क्योंकि सिंगल है लिहाजा हाईली रिएक्टिव है। देखिए जब कोई मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो वो हाईली स्टेबल होगा, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन स्टेबल है इस वजह से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के रिएक्शन को फास्टर करने के लिए हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को कन्वर्ट करते हैं एटॉमिक फॉर्म में। H2 जो है वो स्टेबल मॉलिक्यूल है, क्यों स्टेबल है कि आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास के शेल है और हाइड्रोजन रिएक्शन के दौरान डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा, तो जब दो हाइड्रोजन मिलेंगे तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे और इनके के शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जब के शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो डुप्लेट रूल के मुताबिक यह हाइड्रोजन स्टेबल होगा, इसलिए जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है वो स्टेबल होता है और इसको फर्दर रिएक्ट करने के लिए हम इसके रिएक्शन को फास्टर करें हम इस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन में, इसलिए मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन स्टेबल है लेकिन एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और नॉर्मल कंडीशंस पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो कंपाउंड्स बनाता है रिएक्शन करता है। जैसे आप देखें O2 के साथ इसका रिएक्शन होता है एटॉमिक हाइड्रोजन का, नॉर्मली एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए हम बेटा ये ब्रैकेट भी यूज करते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए हम इस तरह का ब्रैकेट भी यूज करते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन, जैसे ये लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर इस तरह से एक ब्रैकेट अगर हम इस तरह से यूज कर लेंगे तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये एटॉमिक हाइड्रोजन को शो करेगा, सिंबल में सिंबल के अंदर या तो एटॉमिक हाइड्रोजन वैसे लिखा हुआ आएगा या स्क्वायर ब्रैकेट से अब एटॉमिक हाइड्रोजन को शो करते हैं। ओके इसके बाद और रिएक्शन देखते हैं, इसके ये सारे रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पर होते हैं बेटा, ये देखिएगा इनके रिएक्शंस ये आ रहे हैं लिखे हुए सारे एटॉमिक हाइड्रोजन है, यहाँ टू नहीं लिखा हुआ, ये फास्फोरस और हाइड्रोजन ये क्या बना लेंगे पीएच थ्री, सल्फर हाइड्रोजन क्या बना लेंगे एच टू एस, क्लोरीन और हाइड्रोजन क्या बना लेंगे HCl, ये नॉर्मल कंडीशंस पर, ये नॉर्मल कंडीशंस पर एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो इन एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके और कंपाउंड बनाते हैं, ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ये रिएक्शंस जो है वो हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है वो ऑर्डिनरी कंडीशंस नहीं होगी, उसके लिए हमें स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए, ठीक है बेटा। इसके बाद हम आते हैं ये और रिएक्शन आप देख लें, ये रिएक्शन जरा देखो भाई, ये हमने कल भी पढ़ा था AgCl plus H, Ag plus HCl, यहां पर इस बात को ये क्या शो कर रहा है इसको जरा गौर से देखते हैं भाई, ये कल भी पढ़ा था, कल क्योंकि टाइम कम था तो उसमें हमने तेजी के साथ पढ़ा दिया, अब जरा यहाँ देखना, यहाँ पर देखो क्या Ag के पास जो है ये Ag plus 1 है बेटा और Cl minus 1, हाइड्रोजन जीरो, यहाँ पर Ag जीरो है, H plus 1 है और Cl minus 1 है, plus 1 के माने क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन कम है, minus 1 के माने क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया, तो अगर आप इस रिएक्शन को गौर से देखें, अगर आप इस रिएक्शन को गौर से देखो तो इस रिएक्शन में तुम्हें क्या नजर आ रहा है कि जो AgCl है, AgCl को अगर आप देखें तो Ag के पास प्लस वन चार्ज है, Cl के पास माइनस वन चार्ज है, जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो Ag के पास चार्ज क्या आ गया जीरो और Cl के पास चार्ज क्या आ गया माइनस वन, हाइड्रोजन को चेक करो बेटा, हाइड्रोजन के पास चार्ज जो है वो जीरो है और जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो हाइड्रोजन के पास चार्ज क्या आ गया माइनस वन आ गया, इसके माने ये हुए कि Ag पहले प्लस वन था यानी एक इलेक्ट्रॉन कम और जब रिएक्शन हुआ तो Ag पर चार्ज क्या आ गया जीरो, जीरो के माने Ag ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम कहते हैं रिडक्शन, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कहलाता है, वो रिडक्शन कहलाता है,
लिहाजा एजी के अंदर रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, एजी रिड्यूस हो रहा है, और किसकी वजह से रिड्यूस हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन की वजह से। बिकॉज अब आप नोट करो बेटा कि सी एल पर चार्ज यहां भी माइनस वन था और सी एल पर चार्ज यहां भी माइनस वन है, तो सी एल पर चार्ज तो सेम है, लेकिन चेंजेस किस में आ रही है, चेंजेस आ रही है ए जी में और एच में। एच यहां पर जीरो और ए जी प्लस वन। जब रिएक्शन हो गया तो एच प्लस वन और ए जी जीरो, तो क्या माने हुए इसके कि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो एक इलेक्ट्रॉन सिल्वर ने गेन कर लिया, यानी के सिल्वर के अंदर जो है वो रिडक्शन का प्रोसेस हुआ, और किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, हाइड्रोजन की वजह से, तो हाइड्रोजन कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होता है। ओके, बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये जो रिएक्शंस है ना बेटा, ध्यान में रखना, ये एटॉमिक हाइड्रोजन हो या मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हो, रिएक्शन सेम होंगे। फर्क क्या होगा कि एटॉमिक हाइड्रोजन रैपिडली या रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा, लेकिन जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है हमें उसके लिए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करनी होगी, क्योंकि जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो पहले उसका बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वो एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा और उसके बाद वो रिएक्शन करेगा। तो जितनी बॉन्डिंग है, पहले बॉन्डिंग ब्रेक होती है, उसके बाद उसका जो है वो रिएक्शन होता है। लिहाजा यहाँ पर आप हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, आप सिर्फ स्पेशली ये नहीं कहेंगे कि एटॉमिक हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिएक्शन सेम है फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन, फॉर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। डिफरेंस होगा अमाउंट ऑफ हीट का, डिफरेंस होगा टाइमिंग्स का। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ज्यादा टाइम लगेगा, उसको हीट चाहिए, एटॉमिक हाइड्रोजन को हीट नहीं चाहिए, और ये रैपिडली रिएक्ट करेगा और कंपाउंड बना देगा। लिहाजा हाइड्रोजन इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये जो रिडक्शन हो रही है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गया, लिहाजा ये रिड्यूसिंग एजेंट और प्रोसेस क्या यहाँ पर क्या रिडक्शन का। सिमिलरली अगर आप इसको नोट करो तो यहां पर कॉपर को देखें, कॉपर ऑक्साइड CuOO और इसके साथ ये हाइड्रोजन है जनाब, हाइड्रोजन को जरा देखें तो हाइड्रोजन ही आ गया। हाइड्रोजन को अगर आप नोट करो तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है बेटा, वो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का क्या रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है जीरो। कॉपर ये क्या हो गया माइनस टू, और ये क्या आ गया कॉपर का प्लस टू, यानी कॉपर के पास दो इलेक्ट्रॉन्स कम है। जब रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन के बाद अगर आप नोट करें तो कॉपर क्या हो गया बेटा, कॉपर क्या हो गया, कॉपर पर चार्ज क्या आ गया, क्योंकि ये फ्री स्टेट में तो जीरो हो जाएगा। और हाइड्रोजन को अगर आप नोट करो भाई, तो हाइड्रोजन पर चार्ज क्या आ गया जरा देख सकते हैं, हाइड्रोजन पर चार्ज क्या हो गया आप जरा देख सकते हैं, ये कि जब देखेंगे हम ये कि कॉपर फ्री स्टेट में है तो कॉपर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा माइनस टू और प्लस टू, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा माइनस टू। यानी कि जब रिएक्शन हुआ तो कॉपर जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स कम थे, हाइड्रोजन ने, क्योंकि ऑक्सीजन या भी माइनस टू है या भी माइनस टू है, तो ऑक्सीजन ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, लिहाजा कॉपर के पास दो इलेक्ट्रॉन्स आए वो किसके जरिए आए, हाइड्रोजन के जरिए, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये दो इक्वेशंस हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है और आ सकता है कि शो दैट विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन हाइड्रोजन इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपको वहां से भी दो इक्वेशंस लिखनी है जो इस बात को शो करता है कि हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। लिहाजा ये इस बात को शो करे कि हाइड्रोजन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर सिर्फ इक्वेशन से शो करना है तो आप ये दो इक्वेशन लिख सकते हैं, ये इक्वेशन शो करे कि हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसको ध्यान में रखिएगा बेटा। ये इक्वेशन फिर मैं बता दूं कि एटॉमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन दोनों के रिएक्शन सेम है, फर्क क्या होगा टाइमिंग्स का और हीट का।
एटॉमिक हाइड्रोजन रैपिडली रिएक्ट करेगा रूम टेम्परेचर पर, जबकि मॉलिकुलर हाइड्रोजन को ज्यादा टाइम चाहिए और हीट चाहिए. ओके इसके बाद हम आते हैं भाई यूजेस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन. ये जरा देखिएगा ये डायग्राम, ये देखिए ये आपका कंप्लीट आ गया. जरा देखा एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च इज अ सिस्टम यूज टू ऑब्टेन अ फ्लेम ऑफ 5000 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज एम्प्लॉयड इन वेल्डिंग एल्यूमिनियम अलॉय हाई क्रोमियम एंड निकल एटसेट्रा. एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक आर्क इन द प्रेजेंस ऑफ टंगस्टन एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड व्हिच टंगस्टन एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इज वंस कंबाइंड टू गिव अ फ्लेम ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ 5000 डिग्री सेंटीग्रेड. अब देखें एक्चुअली होता है क्या बेटा, जरा इसको जरा देखिएगा. जो इसमें दो स्टेप्स होते हैं, एक ये डायग्राम आपके पास है और एक ये डायग्राम आपके पास. क्लियरली पहले इस डायग्राम को देखें फिर मैं यहाँ पे समझाता हूँ प्रोसेस, यहाँ आपको समझाता हूँ डायग्राम एक्चुअली है. देखो बेटा जरा गौर से, यहाँ पर इसको पावर सप्लाई दी जा रही है, ये शील्ड है. अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो शील्ड के साथ जो है, शील्ड के साथ आप देखिएगा ये अगले पिक्चर में भी और क्लियर हो जाएगा, एक ये टर्मिनल लगा हुआ है, एक ये नीचे और ये ऊपर है, यानी एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है नेगेटिव है. यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस बेसिकली अगली डायग्राम जब हम देखेंगे तो वहां पर आपको क्लियर नजर आएगी. ये हाइड्रोजन गैस बेसिकली क्या होती है, इस गैस को हम इसके अंदर भी फिल्ड करते हैं, आपको स्पेस नजर आ रहा है, अंदर टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, अंदर स्पेस है, और इस गैस को जो है, इस गैस को हम हाइड्रोजन गैस को जो है वो हम इसके अंदर भी हम स्पेस इसको फिल्ड, ये फिल्ड करते हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस फिल्ड हो जाती है. ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो शील्ड के साथ मिले हुए हैं और शील्ड को हमने कंबाइन कर दिया है पावर सप्लाई के साथ. ये चीज यहाँ देखें, ये इसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल्ड है, दोनों के अंदर क्या मौजूद है, हाइड्रोजन गैस फिल्ड है इसके अंदर. ये जो प्लेट आपके पास है देखिए गैप नजर आ रहा है, हमें इसको ज्वाइंट करना है बाय वेल्डिंग. वेल्डिंग किसे हम कहेंगे कि बाय हीटिंग, अगर आप मेटल्स को ज्वाइंट करते हैं तो इसे हम कहते हैं वेल्डिंग. तो हमने एक हाइड्रोजन वेल्डिंग टॉर्च बनाई, ये वेल्डिंग टॉर्च एक का टेम्परेचर तकरीबन 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये एक्चुअली क्योंकि मोबाइल है, जैसा आप देखिए ये कहीं भी आप लेके जा सकते हैं. हाइड्रोजन आपने स्प्रे बॉटल में ले लिया और ये आप इलेक्ट्रोड उठा के कहीं भी ले जाए, कहीं भी कनेक्ट कर दें. तो इसका फायदा ये होता है कि ऐसे इलाकों में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती, इसको आप किसी पावर सप्लाई से चला दें, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती, या जो दूर इलाके होते हैं जहां पर वेल्डिंग का पूरा प्लांट शिफ्ट नहीं हो सकता, वहां पर हम हाइड्रोजन वेल्डिंग टॉर्च को इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि किसी गांव में बहुत दूर के इलाकों में कोई रेलवे ट्रैक खराब हो जाए, उस ट्रैक को वेल्ड करना हो तो हम हाइड्रोजन वेल्डिंग टॉर्च यूज करते हैं, या किसी शिप में कोई प्रॉब्लम हो जाए और हमें शिप में किसी चीज को वेल्ड करना हो तो हम पूरे प्लांट के बजाय हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन वेल्डिंग टॉर्च. तो ये तो इसका एक्चुअल आपके पास आ गई है. अब इसका फंक्शन देखें, इसका जो फंक्शन है दो स्टेप्स में होता है बेटा. पहला जो स्टेप है इसका, पहला स्टेप क्या हो रहा है, पहले स्टेप में कि जब हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, जब टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो जैसी ये गैस यहां से बाहर निकलेगी, ये गैस एट द एंड इस पॉइंट पर दोनों इलेक्ट्रोड्स के इस पॉइंट पर जो है ये गैस यहां पर आकर डीकम्पोज हो जाती है. यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है बेटा, इस जगह जो प्रोसेस हो रहा है वो हाइड्रोजन जो है H2 ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से कन्वर्ट हो गई है एटॉमिक हाइड्रोजन में, सही है. और अब यहां से जो गैस बाहर निकल रही है वो एटॉमिक हाइड्रोजन निकल रही है, वो क्या निकल रही है, एटॉमिक हाइड्रोजन.
जैसी ये एटॉमिक हाइट, ये हमारा स्टेप नंबर वन है। स्टेप नंबर वन याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और ये इलेक्ट्रिक करंट के जरिए हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को डीकम्पोज कर देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के जरिए मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को डीकम्पोज कर दिया जाता है, और डीकम्पोज होने के बाद इस नोजल से यहां और यहां, देखिए इस पॉइंट पर, अगर मैं आपको पॉइंट यहां पर शो करूं बेटा, तो इस पॉइंट पर देखिए, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहां पर भी इस पॉइंट पर, और एज वेल इसके साथ अगर आप आ जाएं कि इस पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट्स पर जो है यहां से क्या निकल रही है, यहां से निकल रही है एटॉमिक हाइड्रोजन। नोजल के करीब जो है वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन डीकम्पोज हो गई बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, और उसके बाद हमने क्या ऑपरेट किया, एटॉमिक हाइड्रोजन। अब इस पॉइंट पर देखें, यहां पर जो है वो एटॉमिक हाइड्रोजन बाहर आ रही है, यहां पर एटॉमिक हाइड्रोजन इस नोजल से बाहर आ रही है। जो जब एटॉमिक हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, तो आप जानते हैं कि एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो हाईली रिएक्टिव है, लिहाजा जैसी ही एटॉमिक हाइड्रोजन बाहर आएगी, तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन जो है ये दूसरे एटॉमिक हाइड्रोजन से मिलकर, दूसरे एटॉमिक हाइड्रोजन से मिलेगी, और हाइड्रोजन से मिलकर ये जो है क्या फॉर्म कर लेगी, ये बना लेगी जनाब H2। और अभी मैंने आपसे कहा था जब H2 की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर 104 किलो कैलोरी पर मोल हीट रिलीज होगी, 104 किलो कैलोरी पर मोल हीट यहाँ पर रिलीज होगी, और जिस जगह 104 किलो कैलोरी पर मोल हीट रिलीज होगी वहां का टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटा, 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, या देयर अबाउट 5000 डिग्री सेंटीग्रेड वहां का टेम्परेचर राइज होगा, और 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बहुत होता है कि यहाँ पर आकर किसी भी मेटल को वो मेल्ट करे और उसके बाद आपस में ज्वाइन कर ले। इस तरह दो स्टेप्स होते हैं हाइड्रोजन वेल्डिंग टॉर्च के, एक होता है डीकम्पोजिशन ऑफ मॉलिकुलर हाइड्रोजन, और दूसरा है रिकॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। डीकम्पोजिशन में मॉलिकुलर हाइड्रोजन ब्रेक हो जाती है एटॉमिक हाइड्रोजन में, और जब वो एटॉमिक हाइड्रोजन रिकम्बाइन होते हैं, तो इनके रिकॉम्बिनेशन की वजह से वहां पर मॉलिकुलर हाइड्रोजन जो मिक्स कंबाइंड होती है एटॉमिक हाइड्रोजन, और उसके रिकॉम्बिनेशन से वहां का टेम्परेचर तकरीबन 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज हो जाता है, और वहां हीट जो रिलीज होती है 104 किलो कैलोरी पर मोल, इससे हम वेल्डिंग पर्पस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, ये इसकी एप्लीकेशन है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, इसके साथ देखिएगा, ये देखिए, ये आपको प्रॉपर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन गैस को फिल्ड करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन गैस फिल्ड होती है, और हाइड्रोजन गैस फिल्ड होने के बाद जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ पर फिल्ड होती है बेटा, देखिए हाइड्रोजन गैस अभी आपको मैंने दिखाया था कि ये हाइड्रोजन गैस जो है वो इस तरीके से फिल्ड होगी, ये यहाँ से एक गैस इस स्पेस में फिल्ड हो रही है बेटा, और एक जो है हाइड्रोजन गैस दूसरे इलेक्ट्रोड में जाएगी, दूसरा इलेक्ट्रोड जनाब ये यहाँ पे फिल्ड हो जाएगी, ये यहाँ फिल्ड हो जाएगी, और उसके बाद फिर ये गैस जो है यहाँ पर आप देखिएगा, ये एटॉमिक हाइड्रोजन यहाँ से भी आएगा और एटॉमिक हाइड्रोजन यहाँ से भी आएगा, और जब दोनों रिकम्बाइंड होंगे तो रिकम्बाइंड होने के बाद यहाँ पर ये दोबारा से क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और ये फ्लेम। देखिए ये आपके पास एक पूरी बड़ी पिक्चर दिखा दी आपको मैंने, ये एक्चुअल जो इसका एपरेटस होता है वो ऐसा होता है, अंदर टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स हैं, और इस तरह हम एटॉमिक हाइड्रोजन को यूज करते हैं इन वेल्डिंग टॉर्च। ठीक है बेटा, इसके बाद हम आते हैं जरा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके साथ ही, नेसेंट हाइड्रोजन, ये जरा समझिएगा, ये रीजन इसकी आती है,
नेसेंट हाइड्रोजन अटोम, इट इज द मोनो अटोम। ये जरा अच्छी तरह समझे, इसमें कंफ्यूजन होती है भाई, इसको जरा समझिएगा अच्छी तरीके से। इट इज मोनो अटोमिक हाइड्रोजन विच प्रोड्यूस ट्रांजिशनली ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये ट्रांजिशनली है बेटा, ये मैं थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ट्रांजिशनली ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूँ भाई, गौर से सुनना यार, गौर से। आपको मैंने क्या बताया था कि जब हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को डीकम्पोज करते हैं तो वो बनाता है अटोमिक हाइड्रोजन, सही है। अच्छा, अब इसमें होता है कि एक तो हम अटोमिक हाइड्रोजन को प्रीपेयर्ड कर रहे हैं, एक तो हम अटोमिक हाइड्रोजन को प्रीपेयर्ड कर रहे हैं बाय डीकम्पोजिंग द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। एक ही होता है कि हम समटाइम्स मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिएक्शन के दौरान थोड़ी देर के लिए अटोमिक हाइड्रोजन बनती है और फिर वो आगे किसी और से वो रिएक्ट कर जाती है। रिएक्शन के दौरान थोड़ी देर के लिए अटोमिक हाइड्रोजन बनेगी और वो अटोमिक हाइड्रोजन आगे रिएक्ट कर जाएगी। जो ट्रांजिशनली अटोमिक हाइड्रोजन बनती है उसे नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। यानी अगर हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को सिर्फ डीकम्पोज कर रहे हैं अटोमिक हाइड्रोजन में तो वो अटोमिक हाइड्रोजन कहलाएगा, लेकिन अगर अटोमिक हाइड्रोजन किसी रिएक्शन के दौरान हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो अब रिएक्शन के दौरान अटोमिक हाइड्रोजन की यूटिलाइजेशन क्या होगी कि हमने रिएक्शन कोई और करवाना है, उसमें हमने पहले प्रोड्यूस किया अटोमिक हाइड्रोजन और फिर उससे वो अटोमिक हाइड्रोजन रिएक्ट करके कोई और कंपाउंड बनाए तो उसे हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। और नेसेंट हाइड्रोजन क्या है, जब हम जिंक में HCl को इंक्लूड करवाते हैं तो हम नेसेंट हाइड्रोजन ऑब्टेन करते हैं। लिहाजा अगर हमें कोई रिएक्शन करवाना हो नेसेंट हाइड्रोजन अटोमिक हाइड्रोजन का, तो हम उस रिएक्शन के दौरान जिंक और HCl इस्तेमाल करेंगे तो जिंक और HCl क्या करेगा, वहां पर नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा और वो जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये नेसेंट हाइड्रोजन आगे जाके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर आप इंडिविजुअल अटोमिक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ब्रेक करते हैं तो उसको हम अटोमिक हाइड्रोजन कहेंगे, और अगर आप किसी रिएक्शन के दौरान अटोमिक हाइड्रोजन को हासिल करते हैं तो उसको हम नेसेंट हाइड्रोजन कहेंगे। देखिए मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा हूं, एक्चुअली अटोमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन दोनों सेम है। मैं कह रहा हूँ कंफ्यूजन जो होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरी बात गौर से सुनो, अटोमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन दोनों सेम है। ये आप नाम से ये समझिएगा कि कौन सी हाइड्रोजन है। अगर मैं कह रहा हूं नेसेंट हाइड्रोजन तो आप क्या कहेंगे, हाइड्रोजन प्रोड्यूस, अटोमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन, ऐसा अटोमिक हाइड्रोजन जो रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हो और फौरी तौर पर रिएक्ट कर जाए उसे हम नाम देंगे नेसेंट हाइड्रोजन का। अगर हम सिर्फ अटोमिक हाइड्रोजन कह रहे हैं तो उसके माने क्या है कि हमने अलग से अटोमिक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को डीकम्पोज करके और अटोमिक हाइड्रोजन के शक्ल में हासिल किया। इससे पहले जो मैंने आपको समझाया था उसमें आपको ये बात कही थी, मैंने समझाई थी आपको ये बात कि एक्चुअली हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को डीकम्पोज करेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा अटोमिक हाइड्रोजन में, तो हमने सिर्फ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को डीकम्पोज किया। लेकिन अगर हम किसी सब्सटेंस का रिएक्शन करवाएं और उस रिएक्शन के दौरान किसी सब्सटेंस का हम रिएक्शन करवाएं और उस रिएक्शन के दौरान वहां पर हमें हाइड्रोजन ऑब्टेन करनी है अटोमिक हाइड्रोजन, तो उसमें जो हाइड्रोजन ऑब्टेन होगी उसे हम कहेंगे नेसेंट, उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम नाम देंगे नेसेंट हाइड्रोजन का, उसे नाम दिया जाएगा। यानी ऐसा अटोमिक हाइड्रोजन जो रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हो और फिर रिएक्ट कर जाए उसे हम क्या कहेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन। और अगर हम हाइड्रोजन को अलग से ब्रेक करेंगे तो वो अटोमिक हाइड्रोजन, एक्चुअली नेसेंट और अटोमिक हाइड्रोजन दोनों सेम है, ओके। लेकिन नेसेंट के हाइड्रोजन के साथ आप क्या समझेंगे कि कौन सी हाइड्रोजन है जो ड्यूरिंग रिएक्शन हम ऑब्टेन करते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद यह है
कि जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये हाईली रिएक्टिव होती है देन एन एटॉमिक देन एन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। उसकी वजह वही है कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के पास H बॉन्ड H होता है, जिसको ब्रेक करने के लिए हमें एक ह्यूज एनर्जी चाहिए, 104 किलो कैलोरी पर मोल। लेकिन जब हम एटॉमिक हाइड्रोजन की बात करते हैं या नेसेंट हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो नेसेंट हाइड्रोजन है वो हाईली रिएक्टिव है बिकॉज एटॉमिक स्टेट में है और इसको किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती और ये फौरी तौर पर जो है ये रिएक्ट कर जाता है। नेसेंट हाइड्रोजन ऑन अदर हैंड एग्जिस्ट अ सिंगल एटम एंड एट द टाइम ऑफ इट्स लिबरेशन, देयरफॉर इट इज रेडिली रिएक्ट्स टू केमिकल रिएक्शन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2 होगा, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, लिहाजा इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें हीट चाहिए। लेकिन नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में होगा जब ये लिबरेट हो रहा होता है, लिहाजा उस वक्त। अब जैसे यहाँ देखें, ये रिएक्शन हुआ बेटा, हमने ओपटेंट कर लिया एटॉमिक हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन, तो इसको मजीद रिएक्शन के लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये फौरी तौर पर आगे रिएक्ट कर जाएगा। ओके, तो इस तरह हमने आज जो है वो एटॉमिक हाइड्रोजन का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे टॉपिक जो है वो हर दिन हम एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते रहे, एक एक टॉपिक को हम कंप्लीट करते रहे, एक एक टॉपिक को हम इसे जो है वो कंप्लीट करते रहे, ताकि आपका कोर्स फिजिबल चले। और बाकी कल तो आपकी क्लास नहीं होगी, सैटरडे को इंशाल्लाह ताला आज हम अपना टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला सैटरडे।